हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी रेसिपी है भरमा शिमला मिर्च की सब्जी, जो कि बनाने वाले हम बहुत ही सिंपल तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। तो भरमा शिमला मिर्च बनाने के लिए हमने यहाँ पर ये 500 ग्राम शिमला मिर्च ले ली है और इनको बीच से खाली कर लिया है। और यहाँ पर हमने लिया है कटा हुआ प्याज, लहसुन और उबले हुए आलू। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे तेल। तेल में हम डालेंगे हींग और जीरा। दोनों के हल्के गुलाबी होने पर हम इसमें कटा हुआ लहसुन और प्याज डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम डाल रहे हैं यहाँ पर हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मसाले के अच्छे से भुन जाने के बाद हम इसमें उबले हुए आलू डाल देंगे। आलू डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच नमक, लाल मिर्च और धनिया पाउडर, डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। शिमला मिर्च में अच्छे से स्टफिंग भरने के बाद उनको हम तलने के लिए तेल में छोड़ देंगे और ढककर 2 मिनट पकाएंगे और फिर चलाएंगे। हमें लगातार ये प्रोसेस करना है जब तक का शिमला मिर्च अच्छे से पक ना जाए। शिमला मिर्च को हमें ऐसे ही अलगते पलटते हुए अच्छे से गोल्डन होने तक फ्राई करना है। और लीजिए, तैयार है हमारी सुपर टेस्टी भरमा शिमला मिर्च की सब्जी। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।